उनका चेहरा अलग है, चालबाजी अलग है और चरित्र इन सब से जुदा। इसलिए चीन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जहां चीन एक तरफ बातचीत करके एलएसी तनाव कम करने का दिखावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नई साजिश भी रच रहा है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि भारतीय जाबाजों की निगरानी में उसका हर मंसूबा रौंद दिया जाएगा। शहादत की गूंज सुनी तुमने जिन पे? विकास रेजिमेंट जिंदाबाद, विकास रेजिमेंट जिंदाबाद। यहां देश पर मिटने वालों को इसी तरह सम्मान दिया जाता है। वतन के लिए कुर्बान होने वालों के लिए इसी तरह जय जयकार होती है। लेकिन तुम क्या जानो कुर्बानी का मतलब? तुम्हारे लिए तो सैनिक एक खिलौना भर है। तभी तो चीन ने गलवान में मारे गए सैनिकों की मौत छुपा ली। लेकिन भारत को देखो, यहाँ जवानों को कितना सम्मान मिलता है, उनके लिए कितनी आंखें नम होती हैं। एलएसी पर शहीद हुए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो नईमा तेंजिंग की अंतिम यात्रा में उनके लिए भारत से लेकर तिब्बत तक आंसुओं का सैलाब आ गया। दरअसल भारत के वीर सपूतों के इस जज्बे से ही चीन और पाकिस्तान परेशान रहते हैं, इसीलिए साजिशें रचते रहते हैं। पेंगोंग में पिटने के बाद चीन ने अब एक और साजिश रची है जिसे तबाह करने के लिए भारत के जवान मुस्तैद हैं। चीन के नए षड्यंत्र को समझिए। एलएसी पर पिटा चीन एलओसी पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ चाल चल रहा है। लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए 400 आतंकी तैयार हैं। चीन के इशारे पर पाक आर्मी की एसएसजी का प्लान है। बैड कमांडोज आतंकियों की घुसपैठ करा सकते हैं। सीज फायर उल्लंघन के आड़ में मंसूबा पूरे करने की फिराक में है आतंकी। चीन पूर्वी लद्दाख में कुछ करता है तो पाकिस्तान आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ावा दे घाटी में। 400 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इस काम के लिए बैठे हुए हैं। भारत इससे पहले ही अवगत है, हमारी सेनाएं पूरे तरीके से तैयार है, सक्षम है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि एलओसी से सटे इलाकों में कई पाक आर्मी के कैंप्स में आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, जिनके बाद आतंकियों को एलओसी के पास लॉन्चिंग पैड पर पहुंचा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गुरेज सेक्टर, माचिल सेक्टर, कैरन सेक्टर, तंगधार सेक्टर, नौगाम सेक्टर, उरी सेक्टर, कृष्णा घाटी से सटे लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों का भारी जमावड़ा देखा गया है। यानी जो काम पाकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए कर रहा था, वही काम अब चीन के इशारे पर वो कर रहा है। इसके पीछे सीधी सी वजह है, दोनों देश भारत से आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकते। इस खेल में पाकिस्तान चीन की बात मानने पर मजबूर है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में इस कदर फंसा लिया है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन का एक मोहरा बनकर रह गया है। चीन पाकिस्तान की जमीन, उसके रिसोर्सेज, सब चीज का इस्तेमाल कर रहा है। इससे चीन को दो फायदे हैं। एक तो वो भारत से सीधे जंग से बच पा रहा है, और दूसरा, अगर भारत कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान सामने आएगा, क्योंकि चीन पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है। धीरे धीरे चीन पाकिस्तान पर काबू करता जाएगा और एक किस्म से उसकी कॉलोनी, जैसे तिब्बत को बनाया था वैसे ही पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये राइटिंग ऑन द वॉल है, वो इसको देख क्यों नहीं रहा? वो इसलिए कि वो भारत के साथ अपनी दुश्मनी निभाने में अंधे हो चुके हैं।
अब जरा चीन का पाकिस्तान में निवेश समझ लीजिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, पीओके, गिलगित, बाल्टिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। खास बात ये कि चीन ने इन प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी ले रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्सेदारी के लिए उसने कर्ज दिया हुआ है, यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से घिरा हुआ है। अभी वो शायद इसे समझ ना पाए, लेकिन जब ड्रैगन उसे निगलेगा उसे तब समझ में आएगा। चीन के लिए कोई दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ विस्तारवाद की साजिशें रचता है।